हेलो वन मैनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रोमियो का गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है तेरा फितूर, और हमारे साथ में आ गया हमारे मुंबई के टू इडियट्स। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। आपने देखा है वो गाना, क्या बोलना चाहोगे इस पर? सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हमारे फर्स्ट इडियट गोलू से। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है। जैसा उन्होंने टाइटल रखा है फितूर, एक दीवानगी, पागलपन होता है एक प्यार के पीछे, वैसा पूरा दिख के आया है गाने के पीछे। और ऐसा सुनने में आया है कि रोमियो जी ने जो गाना लिखा है, एटलीस्ट इन्होंने वन आर में इन्होंने किसको तो देखा, एक लड़की को, और उसके लिए वो गाना पूरा उन्होंने उतार दिया। मतलब जो उनके अंदर जहन में चल रहा था उन्हें उतार दिया और वो गाना उन्होंने गाया है तेरा फितूर। एक घंटे में गाना लिख दिया? हाँ, ऐसा सुनने में आया है, लड़की को देख के। यस यस। तो अब रिव्यू करने के टाइम पे मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है कि वो लड़की है कौन जिसके लिए ये लिखा है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर वो लड़की जिसको मिस्ट्री गर्ल मतलब बोलते हैं कि जिसके लिए लिखा है, मिस्ट्री बोल सकते हैं उसको, मिस्ट्री गर्ल, तो जिसके लिए लिखा है, कि रोमियो जी उनके बारे में कभी रिवील करेंगे आगे कि बताएंगे, मतलब ये सवाल है हमारे, शो करेंगे? यस। ओके। तो हम तीनों ने जब बैठ के बात किया था फ़ोन पे, हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे, तो यही बात चल रही थी कि क्वेश्चन करना है थ्री इडियट्स की तरफ से कि वो कभी रिवील करेंगे, शो करेंगे कि वो मिस्ट्री गर्ल कौन है, और उनको भी शायद पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या बात है, हमारे फर्स्ट इडियट गोलू ने कह दिया कि गाना अच्छा है और एक घंटे में गाना लिख दिया। पूछेंगे क्या बोलना चाहोगे इस गाने? देखो, इस गाने में तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एज एन एक वो मेलोडियस बोलते थे, बहुत अच्छी तरह से मतलब एक कंपोजिशन की है। और रोमियो सर, इट्स मज़ा आ गया उनको देख के यार। और okay. और उसकी जो काव्या चौधरी, उनका नाम है फीमेल एक्ट्रेस, अरे यार बहुत अच्छी दिखी। लेकिन इसमें एक सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि एक सवाल, हु इज़ दैट मिस्ट्री गर्ल, वो हम लोग भी जहन में आ रहे हैं कि बाबा ये कौन रहेगी। जब एक घंटे में पूरा उन्होंने गाना लिखा है, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया है, मतलब एक अलग ही सीनरी है क्रिएट किया इन्होंने, तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब अभी पता नहीं, क्योंकि लास्ट में जो एक कॉन्सेप्ट दिखा है, लास्ट में एक क्लाइमैक्स दिखा है, तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़ है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कहा जा रहा है कि जिसके लिए गाना लिखा है उसको भी पता नहीं है ये गाना उनके लिए लिखा है, और ऐसा हम सभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसे रोमियो रिवील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं तो इसके बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर रोमियो सर आपने जो है गाना जब लिखा, तो आपके ही दिमाग में कोई मिस्ट्री गर्ल होगी, इसीलिए आपने लिखा होगा, लेकिन आप बोलते हैं ऑन स्क्रीन रिवील नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगे, रोमियो को रिवील करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो सभी एक्साइटेड है वो जानने के लिए कौन है वो लड़की। अरे पहली बात, ये गाने को 30 मिलियन के ऊपर व्यूज गए, तो सब लोग तो राह देख रहे हैं कि भाई मिस्ट्री गर्ल कौन है। इसका सेकंड पार्ट का सॉन्ग आया और धमाल मचेगा यार, मतलब एक स्टोरी ऐसी कंटिन्यूटी होगी ना, मजा आएगा यार। क्या कहना चाहोगे हमारे फर्स्ट एडिट गोलू, कब करना चाहिए हमारे रोमियो भाई ने ये रिवील? उनको बताते हुए, मतलब ऐसा जैसे उन्होंने ओपनली, जैसे अभी गाना तो डाल दिया, 30 मिलियन प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, तो जब वो मतलब मेरे हिसाब से तो वो गाना इजहार हो गया। अभी जिसको मालूम नहीं है, इजहार कर दिया है, इकरार करना बाकी है, बताना बाकी है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप और एक गाना बनाइए, उसमें आप रिवील कीजिए। मतलब जैसे लोग स्पेशल थैंक्स डालते हैं, जल्दी से जल्दी रिवील कर दीजिए, रोमियो भाई कौन है ये लड़की, कौन है ये लड़की, हम दो तो हम तीन जन हैं, हम लोग तीन चार जन हैं के देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, कौन हो सकता है। तो बस हम तीन इतने एक्साइटेड है, तो सोचो बाकी 30 मिलियन लोग ने कितने देखे होंगे, तो कितने लोग को भी ये मालूम पड़ेगा, तो कितने एक्साइटेड होंगे वो। आपने कहा कि इजहार कर दिया है, जिस तरह से इजहार किया है इस गाने में, वो कैसा लगा? इजहार तो उन्होंने बेहद हद पार कर दी है, क्या क्या नहीं किया, तो सोचो रियल लाइफ में अगर वो उनके पास आएगी तो क्या क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकती। yes, आपको yes, कैसा yes. लगा उनका इजहार, जिस तरह से उन्होंने किया इस गाने वो जब इजहार जब किया, जब वो एक वो जब काव्या चौधरी कहती है ये कौन सा प्यार है, बोले ये प्यार नहीं, ये मेरा फितूर है, एक मैडनेस, दीवानगी, जो इस तरह से वो इजहार किया है ना, हाय दिल को छू लिया यार, छू लिया बोलते yes, हमारे yes, yes, दोनों इडियट yes, मुंबई yes, के टू इडियट्स yes, ने yes, yes, हम सारे वेटिंग में है, हमारे मुंबई के तीनों इडियट वेटिंग में है, yes, मैं खुद yes, वेटिंग में yes, yes, कि yes, कब रोमियो भाई रिवील करेंगे कि ये लड़की कौन है, जल्दी से जल्दी करो। yes, हमारे फर्स्ट इडियट ने तो कह दिया है कि सेकंड पार्ट आप रिलीज कर दो इस गाने का, और कर दो रिवील कौन है ये मिस्टीरियस गर्ल। चलिए देखते कब रोमियो भाई ये रिवील करते। थैंक यू। यस थैंक यू।